नीमच जिले में बीते दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जिसको लेकर आज विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खेतों में जाकर निरीक्षण किया गया और फसलों में हुए नुकसान का आकलन किया गया। नीमच जिले में बीते दिनों हुई बारिश व ओलावृष्टि के चलते खराब हुई फसलों का विधायक दिलीप सिंह परिहार और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आज जायजा लिया गया है। विधायक और अधिकारी ग्राम पंचायत विश्रिया व दीपू खेड़ी के खेतों में पहुंचे और फसल में हुए नुकसानी का आकलन किया। गौरतलब है कि ओलावृष्टि और बारिश के चलते अफीम के साथ अन्य फसलों में भी काफी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर किसानों ने नारकोटिक्स विभाग और कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन भी सौंपे थे। वहीं मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने भी कलेक्टर महेंद्र अग्रवाल को फसलों में हुए नुकसान का सर्वे करवाने के निर्देश दिए थे। आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विधायक दिलीप सिंह परिहार भी खेतों में पहुंचे हैं और अफीम व अन्य फसलों में हुए नुकसान का जायजा लिया है। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, किसानों के साथ सदैव खड़े हैं। जो भी नुकसानी हुई है उसका आकलन करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान SDM ममता खेड़े, तहसीलदार अजय हिंगे, नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह, भादवा माता मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह सिसोदिया, सांसद प्रतिनिधि महेश गुज्जर, उपाध्यक्ष बापू सिंह चौहान, राजेंद्र सिंह चौहान, सरपंच सुरेश सिंह बापू सिंह सहित राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी रहे उपस्थित रहे।